हाय, मैं हूँ जसमीन पटेल। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको अंदर से जगजोर कर रख देगी। आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहना, वीडियो पूरा होने तक आपकी एनर्जी 10 गुनी ना हो जाए तो कहना। आपको आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी और छोटी से छोटी उम्मीद आपको बहुत बड़ी लगने लगेगी। तो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। सबसे पहले इन जूतों को देखो। ये जूते पहन के कोई फुटबॉल खेल सकता है क्या? अरे इसे पहन के कोई ठीक से चल भी नहीं सकता है। लेकिन एक इंसान ने ऐसे जूते पहन के फुटबॉल की दुनिया में इतिहास लिख दिया। फटे हुए जूते पहन के वो फुटबॉल खेला और आज वो दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक है। नाम है साडियो माने। इन्हें फुटबॉल की दुनिया का विराट कोहली भी कहा जाता है। लेकिन इनका बचपन और इनका संघर्ष सुन के आपको यकीन नहीं होगा कि कोई इंसान अपने काम को लेके इतना पैशनेट कैसे हो सकता है, वो अपने काम से इतना प्यार कैसे कर सकता है। अफ्रीका के सेनेगल देश के छोटे से गांव से है साडियो माने। ऐसा गांव जहां पर कोई सुख सुविधा ही नहीं है, जो दुनिया से बहुत ही पीछे है। ऐसे गांव के बच्चे लाइफ में क्या कर सकते हैं? साडियो माने इतने गरीब परिवार से थे कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इतनी बुरी हालत थी कि कभी कभी मिट्टी खा के भूख का दर्द मिटाया इन्होंने। जरा सोच के देखो कि कोई कितना भूखा होगा, कितना मजबूर होगा कि उसे मिट्टी खा के पेट भरना पड़े। और ऐसे लड़के का फ्यूचर क्या हो सकता है? इस लड़के को फुटबॉल अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। लेकिन इतने गरीब लड़के को कौन आगे ला सकता, कौन सपोर्ट करता, कौन ट्रेनिंग देता? साडियो माने ने खुद को ही अपना गॉडफादर बना लिया और कसम खा ली कि आज ये वक्त मेरा नहीं है, लेकिन मेरा वक्त भी जरूर आएगा, मैं लाऊंगा उसे। एक दिन मेरा गांव नहीं, मेरा देश नहीं, पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से पहचानेगी। कैन यू इमेजिन? जब इंसान के फेवर में कुछ भी ना हो, चारों तरफ अंधेरा हो, तो ये सोचने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए उसे। लड़के ने खुद को ही ट्रेन करना शुरू कर दिया था। ठोकरें खा खा के वो फुटबॉल सीखा। जब वो 12 साल का हुआ तब उसे पता चला कि देश की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हो रहे हैं। उसे भी जाना था वहां पर, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वहां तक ट्रैवल कर पाए। अब आप बताओ कि हालात जब एक के बाद एक ऐसे तमाचे मारे किसी को, तो वो इंसान क्या कर सकता है? लेकिन ये लड़का तो अपनी जिद से हालातों से ही भिड़ गया था। 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए उस सिटी में पहुंचा ट्रायल देने के लिए, क्योंकि उसे फुटबॉल में आगे बढ़ना था। जुनून की बातें करते हैं हम लोग, क्या हम में अपने काम के लिए इस लेवल का जुनून होता है? क्या हम अपने काम से इस लेवल का प्यार करते हैं? एनीवे, आगे बढ़ते हैं। जब माने वहां पर पहुंचे तो सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी। उसका पैंट फटा हुआ था, उसके जूते फटे हुए थे, उसकी आंखें भरी हुई थी। वो कह रही थी कि एक मौका चाहिए, बस सिर्फ एक मौका। आज मुझ पे हंस लो जितना हंसना है, लेकिन कल मेरा होगा। कोच ने उसे कहा कि तुम कैसे खेलोगे फुटबॉल, तुम्हारे तो जूते फटे हुए हैं। जरा अपने आसपास एक नज़र दौड़ाओ बेटा, सब लोग कितने तैयार होके आए हैं, देखो ऐसे खेलते हैं फुटबॉल। उस लड़के ने जवाब दिया कि सर 5 मिनट दे दो बस। आप समझ जाओगे कि कौन सच में तैयार होके आया है। सिर्फ 5 मिनट सर। कोच ने उसकी बात मान ली, गेम शुरू हुआ और उसने 5 मिनट पूरे होने से पहले ही कोच को यकीन दिला दिया कि वो अपनी जिंदगी से ज्यादा फुटबॉल से प्यार करता है। कोच ने उसे कहा कि अगर फुटबॉल को लेके यही जुनून तेरे अंदर हमेशा के लिए रहा, तो एक दिन मुझे लोग तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन माने बहुत ही खुश था, ये सोच के कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ सही हो जाएगा। वो चाहता था कि वो जल्दी से घर पर जाए और अपने पिताजी को ये सारी बातें बताए, उनको बताए कि उनका लड़का अब सक्सेस की राह पर निकल चुका है, वो अब सब कुछ ठीक कर देगा। उनके पिताजी वो इंसान थे जिसने हमेशा इस लड़के को सपोर्ट किया, उसको मोटिवेट किया, उसको कहा कि तू कर सकता है। लेकिन 12 साल का साडियो माने जब अपने घर पर पहुंचा, उसने देखा कि उसके पिताजी की डेथ हो गई है। उसके पांव के तले से जमीन खिसक गई, ये जान के कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था और आसपास में कोई डॉक्टर नहीं था, ना कोई हॉस्पिटल, ना इतने पैसे कि वो उनको कहीं पर ले जा सके। क्या फील कर रहा होगा वो 12 साल का लड़का अपनी किस्मत के बारे में, अपने हालातों के बारे में? अपने बाप के बिना ये लड़का अधूरा सा हो गया था। किसके सामने जाके रोए, किसको अपनी हालत के बारे में सुनाए, उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर से दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। और इस बार इसका जुनून इतना हो चुका था कि दुनिया की किसी भी ताकत के लिए उसको रोकना मतलब नामुमकिन बात थी।
उसकी गेम को देखकर फ्रांस के एक बहुत ही बड़े क्लब ने उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या, अब वक्त शुरू हो गया था उसका। उसकी टैलेंट पॉलिश होती रही और वो दुनिया को अपने टैलेंट से चौंकाता रहा। जो उसे देखता वो सोचता कि ये प्लेयर हमारे क्लब में होना चाहिए। कुछ ही वक्त में माने ने ऑस्ट्रिया और वहां से फिर इंग्लैंड का सफर पूरा कर लिया। उसने अब दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग खेलना शुरू कर दिया था। पहले उन्होंने साउथहैम्पटन के लिए खेलना शुरू किया और उसके लिए उनको मुंह मांगे पैसे भी दिए गए। साउथहैम्पटन के लिए खेलते हुए उन्होंने 2 मिनट और 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके हैट्रिक का एक नया रिकॉर्ड बना दिया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। और आज सादियो माने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब यानी कि लिवरपूल के लिए खेलते हैं। कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारे अवार्ड्स, वाहवाही, तालियां, जिनकी कोई गिनती नहीं है। आज माने ने आखिरकार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जो भी कहा था उन्होंने कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी, आज सच में पूरी दुनिया उनको नाम से जानती है। और हाँ, वो कोच को भी आज उन्हीं के नाम से जाना जाता है जिसने उनको वो 5 मिनट दिए थे, वो मौका दिया था। लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी कुछ और भी है जो आपको सलाम करने के लिए मजबूर कर देगा। माने ने जितनी भी तकलीफें देखी आज तक, जितने आंसू बहाए हैं, वो चाहते हैं कि कोई बच्चा अब आंसू ना बहाए। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, सड़क, पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज के लिए $270,000 दान किए हैं। जो बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं उनको वो फ्री किट देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने गांव के हर एक शख्स को हर महीने $70 अपनी तरफ से देते हैं। सादियो माने की सबसे खास बात यह है कि आज करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी वो अब भी टूटा हुआ iPhone 7 यूज करते हैं। उनका कहना है कि मुझे 10 फरारी, 20 हीरे की गड़िया या फिर 2 चार्टर प्लेन क्यों चाहिए? ये महंगी चीज़ें मेरे या फिर दुनिया के लिए क्या करेगी? मैंने स्कूल, स्टेडियम, गरीबों के लिए कपड़े, जूते, भोजन ये सब प्रदान करने की कोशिश की है। मैं एजुकेशन नहीं ले पाया, मेरे पास कई सारी चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन आज मैं फुटबॉल की बदौलत ये सब कमा पा रहा हूँ, तो मुझे उससे लोगों की मदद करनी है और मैं आगे भी लोगों की मदद करता रहूँगा। तो ये थी एक महान फुटबॉलर की कहानी जिसने सच में जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया है और फिर भी उसके पांव आज जमीन से जुड़े हुए हैं। तो क्या सीखे इस कहानी से, कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा लोगों तक शेयर करना। और अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना। यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर आपके लिए अमेजिंग स्टोरीज लेके आते हैं। और एक बात, अगर आप हमारे मॉर्निंग मोटिवेशन पॉडकास्ट नहीं सुनते हैं तो एक बार प्ले सेक्शन में जाके चेक कीजिए। हमारे पॉडकास्ट आपके माइंडसेट को बदल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। एक बार सुन के ट्राई कीजिए। बाकी कुछ कहना है तो कॉलिंग कोड आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर मैसेज कीजिए। सबसे पहले जो 2 लोग मैसेज करेंगे उसको मैं सामने से कॉल करूँगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। We'll be right back.